हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि सन 2009 में 13B नाम की एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट थी और इस मूवी के मुख्य कलाकार माधवन थे। मैंने इस मूवी को हाल में दोबारा देखा और यकीन मानिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्टोरीज में से एक है और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 13B मूवी की स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हंसता खेलता परिवार देखने को मिलता है जो कि रिसेंटली एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट का नंबर 13B था जो कि बिल्डिंग के 13th फ्लोर पे स्थित था। मनोहर, जिसका किरदार माधवन ने निभाया है, वो अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इस घर को 20 साल के EMI पे लिया है। सभी लोग इस नए घर में आकर काफी खुश थे, लेकिन उसी दिन से वहां कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। घर में रखा दूध रोज अपने आप ही फट जाता था और उस बिल्डिंग के लिफ्ट मनोहर के अलावा बाकी सब के लिए काम करती थी। ये परिवार घर के पूजा रूम में किल ठोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी किल को दीवार के अंदर ठोक ही नहीं पा रहा था, मानो वो दीवार नहीं पत्थर हो। इतना ही नहीं, अगर कोई मनोहर के फोन में उसकी तस्वीर लेता था तो वो अपने आप ही डिस्टॉर्ट हो जाती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि फोटोज डिस्टॉर्ट तभी होती थी जब मनोहर अपार्टमेंट के अंदर होता था। अगर वो बाहर जाकर अपनी तस्वीर लेता था तो तस्वीर बिल्कुल ठीक आती थी। इस परिवार की औरतों को टीवी सीरियल्स देखने का बहुत शौक था और इस नए घर में वो सभी टीवी में एक नई सीरियल देखना शुरू करते हैं जिसका नाम था सब खैरियत। इस सीरियल में हमें एक परिवार की कहानी दिखाई जाती है जो कि हूबहू मनोहर के परिवार जैसी ही थी। सीरियल वाले कैरेक्टर्स भी एक नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं जो कि 20 साल की EMI पे था। तो सीरियल में मेन कैरेक्टर के बड़े भाई को प्रमोशन मिलती है और वो बोलते हैं कि उन्हें पर मंथ 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे और वो अपनी EMI को 16 साल के अंदर ही भर देंगे। इसके ठीक बाद मनोहर के घर में एग्जैक्टली सेम चीज होती है जहां उसके बड़े भाई मनोज को प्रमोशन मिल जाती है। इतना ही नहीं, उनकी सैलरी रेज भी एग्जैक्टली 10,000 रुपीज पर मंथ थी और वो भी एग्जैक्ट सेम बात बोलते हैं कि वो लोग इस घर की EMI को सिर्फ 15 साल में ही भर देंगे। इन सिमिलैरिटीज को मनोहर नोटिस करता है, लेकिन वो ये बात घर के बाकी लोगों को नहीं बताता है। इसके बाद हम सीरियल में देखते हैं कि मुख्य कैरेक्टर की छोटी बहन हर सब्जेक्ट में पास हो जाती है और उसकी ओवरऑल परसेंटेज 69.8% थी। मनोहर के घर में अगेन एग्जैक्टली सेम यही होता है, जहां उसकी छोटी बहन 69.8% मार्क्स लाकर सभी सब्जेक्ट में पास हुई थी। यह आश्चर्य की बात इसलिए भी थी क्योंकि मनोहर की बहन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थी और उसका सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स से पास होकर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना वाज रियली शॉकिंग। इन सिमिलरिटीज़ को देखकर मनोहर एकदम डर जाता है और वो हमेशा नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार में रहता है ताकि वो अपने परिवार के नियर फ्यूचर को देख सके। आगे के एपिसोड्स में हम देखते हैं कि सीरियल के मुख्य कलाकार की पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और रियल लाइफ में भी मनोहर की बीवी प्रिया प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद सीरियल में वो औरत सीढ़ियों पे फिसल कर गिर जाती है जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है और रियल लाइफ में मनोहर की बीवी प्रिया का किचन में एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से उसका भी मिसकैरेज होता है। इस एक्सीडेंट से प्रिया की जान डॉक्टर सिंधे बचाते हैं जो कि परिवार के काफ़ी क्लोज थे। उन्होंने पास्ट में मनोहर की माँ का इलाज भी किया था और वो इस परिवार के फैमिली डॉक्टर थे। इन घटनाओं के बाद मनोहर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने फ्रेंड शिवा को सब कुछ बताता है जो कि पेशे से एक सब इंस्पेक्टर था। शिवा मनोहर के साथ उसके घर पे जाता है जहां मनोहर का परिवार सब खैरियत सीरियल को देख रहे होते हैं। सरप्राइजिंगली सीरियल में भी मेन कैरेक्टर अपने एक फ्रेंड को बुलाता है जो कि पुलिस इंस्पेक्टर ही था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जो कि रियल लाइफ में चल रहा था और फिर हम सीरियल में देखते हैं कि इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उनके घर में गैस लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर फट पड़ा। मनोहर समझ जाता है कि उसके दोस्त शिवा के साथ रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, इसलिए वो शिवा के साथ भागकर उसके घर पहुंचता है जहां सचमुच गैस लीकेज हो रखा था। वो लोग इस दुर्घटना को टाल देते हैं और अब शिवा को भी भरोसा हो गया था कि मनोहर के घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि उस टीवी और सीरियल के माध्यम से कम्युनिकेट कर रही है।
इन घटनाओं के बीच मनोहर सब खैरियत शो के डायरेक्टर से भी मिलने उनके स्टूडियो पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि जो सीरियल उसके घर में आती है वैसी कोई सीरियल एक्चुअली में है ही नहीं। जी हाँ, सब खैरियत नाम की तो कोई दूसरी सीरियल उस चैनल पे आती है जो कि काइंड ऑफ एक क्राउड शो है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर कहानी वाली सीरियल सिर्फ मनोहर के घर में ही आती थी। अब मनोहर इस घर को छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे फिर ये पता नहीं चल पाता कि सीरियल में आगे क्या हुआ, जिसके कारण वो अपने परिवार के फ्यूचर को जानकर उन्हें बचा नहीं सकेगा। तो इसके बाद अगले दिन मनोहर अपने अंधे पड़ोसी के कुत्ते को फील्ड में डिग करते हुए देखता है और वो उस कुत्ते को उसके ओनर तक पहुंचाता है। उसी रात जब वो अपनी बीवी से सीरियल की कहानी के बारे में पूछता है तो वहां भी एक कुत्ता फील्ड में डिग कर रहा होता है। मनोहर को ऐसा लगता है कि शायद फील्ड में उस जगह पे उसके हाथ कुछ चीजें लगे जो इस पहेली को सुलझा दे। इसीलिए वो देर रात फील्ड में जाकर खुदाई करता है और उसे वहां एक बहुत ही पुरानी डायरी मिलती है। वो कैलेंडर वाली डायरी थी जिसके अंदर कुछ फोटोज थे और सरप्राइजिंगली ये फोटोज टीवी सीरियल में दिखने वाले परिवार की फोटोज थी। और यहाँ सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि डायरी के कैलेंडर की डेट सन 1977 थी। जी हाँ, मतलब कि सीरियल में दिखने वाले सारे पात्र सन 1977 में जवान थे, तो आखिर 30 साल बाद आज भी वो सेम कैसे दिख सकते हैं। मनोहर तुरंत ही ये डायरी अपने इंस्पेक्टर दोस्त शिव को दिखाता है और वो दोनों लाइब्रेरी जाकर सन 1977 के पेपर्स को चेक करने लगते हैं, जहाँ शायद उन्हें इस परिवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके बाद उन्हें पेपर्स में इस परिवार के लोगों की तस्वीरें छपी दिखती है और साथ में उन घटनाओं का भी विवरण था जो इस परिवार के साथ हुआ था। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। ये बात सन 1977 की थी जब मनोहर की जैसी ही एक फैमिली ठीक उसी जगह रहती थी जहां आज मनोहर का अपार्टमेंट खड़ा था। चित्रा, जो कि इस परिवार का हिस्सा थी, वो एक न्यूज एंकर थी और उन दिनों ये एक बहुत बड़ी बात थी। घर के सभी लोग चित्रा को देखने के लिए एक टीवी खरीद कर लाते हैं और वो लोग काफी खुश थे। घर में अशोक नाम का एक इंसान भी था जो कि इन भाई बहनों में सबसे बड़ा था, लेकिन वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल था। चित्रा की एंगेजमेंट हो चुकी थी और घर में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तो अगले दिन जब चित्रा के फियांसे इस परिवार से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि घर में 8 लोगों की हत्या हथौड़े से मारकर करी गई है। बचा था तो सिर्फ अशोक, जिसके हाथ में हथौड़ा था और उसके शरीर पे खून के निशान थे। इस सीन को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो अशोक ने इन सभी को मार डाला है, और चूंकि वो एक दिमागी मरीज था गांव वाले भी इसी बात को मान रहे थे। यहाँ एक और कहानी थी कि चित्रा के एंगेजमेंट के दिन उसका कोई दीवाना घर के बाहर आके चिल्ला रहा था क्योंकि वो चित्रा को टीवी पे देखता था और उसे चित्रा से प्यार हो गया था। चित्रा के भाई लोग उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और जाते वक्त वो उन सभी को मार डालने की धमकी देता है। तो शायद वो भी इस परिवार का कातिल हो सकता था, लेकिन उसने तो इस घटना के 6 दिन पहले ही आत्महत्या कर लिया था। इन सब के अलावा जो पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहा था उसने भी आत्महत्या कर ली थी। इन चीजों को देखकर गांव वाले मान गए थे कि ये सब वो पागल आशिक की आत्मा अशोक के शरीर में घुसकर करवा रही है। तो इसी परिवार के लोग प्रेजेंट डे में 13B फ्लैट को हॉन्ट कर रहे थे और वो शायद अपने कत्ल का बदला लेना चाहते थे, लेकिन आखिर कातिल था कौन? ये सब जानने के बाद मनोहर और शिव अशोक से ये सोचकर मिलने जाते हैं कि शायद उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। अशोक फिलहाल एक पागल खाने में उम्र भर के लिए कैद था। वो मनोहर को देखकर बिल्कुल पागल की तरह बिहेव करता है और वो लोग यहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। इसके बाद मनोहर और शिव चित्रा के फॉर्मर फियांसे से मिलने जाते हैं जो कि एक एडवोकेट था। वो बताता है कि अशोक कभी भी अपने परिवार वालों को मार नहीं सकता है, किसी और ने ये सारे कत्ल किए हैं और इसका इल्जाम अशोक पे लग गया है क्योंकि हथौड़ा उसके हाथ में था। दरअसल वो इस हथौड़े से टीवी को तोड़ रहा था क्योंकि उसे लगा कि उनके परिवार वालों का कत्ल टीवी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, स्टोरी काफी क्लियर हो रही थी कि घर का भूत कौन है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये था कि 1977 में इस परिवार के 8 लोगों को आखिर किसने मारा था। उसी रात मनोहर के घर की टीवी अपने आप चलने लगती है, जहां सब खैरियत सीरियल की एक क्लाइमैक्स एपिसोड आती है। इस एपिसोड में उस कातिल का शक्ल दिखाया जाता है जिसने सीरियल्स के सभी परिवार वालों को जान से मार डाला था, और सरप्राइजिंगली सीरियल में कातिल के रूप में मनोहर खुद था। जी हाँ, वो एक हथौड़ा लेकर चल रहा था और शायद उसी ने इस पूरे परिवार को जान से मार डाला था। इस सीन को देखकर मनोहर बहुत डर जाता है और वो अपने दोस्त शिव के साथ सीधे डॉक्टर सिंधे के घर पहुंचता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि वो उसके परिवार की फ्लाइट टिकट करके उन सभी को उससे दूर भेज दे क्योंकि आज शायद वो अपने ही परिवार को मार डालेगा। वो शिव को बोलता है कि शिव उसे लॉक कर दे ताकि वो कमरे के बाहर ही ना निकल सके।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर शिंदे इस 13B फ्लैट में देर रात जाकर इस परिवार वालों को फ्लाइट के टिकट्स देते हैं। वो हॉल में बैठे होते हैं कि तभी टीवी अपने आप स्विच ऑन हो जाती है। टीवी में चित्रा आ रही थी और वो डॉक्टर शिंदे से डायरेक्टली बात करने लगती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि उनके परिवार का क्या कसूर था कि उस डॉक्टर ने इन सब को मार डाला। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर शिंदे ही थे जिन्होंने 1977 में इस परिवार के सभी लोगों को जान से मार डाला था। असल में चित्रा का आशिक जिसने आत्महत्या करी थी वो डॉक्टर शिंदे का छोटा भाई था। डॉक्टर अपने भाई के मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस परिवार के सभी लोगों को हथौड़े से जान से मार डाला। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो इस केस की तहकीकात कर रहा था उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया था, इसलिए डॉक्टर शिंदे ने उसे भी मार डाला था। लोग समझने लगे कि पुलिस ने सुसाइड किया है और ये सब कोई भूत कर रहा है। सारी बातों के सामने आने के बाद डॉक्टर शिंदे एकदम से चिल्लाने लगते हैं और उन्हें मनोहर के परिवार के सभी लोग उस पुराने परिवार जैसे दिखने लगते हैं। वो एक हथौड़ा उठाकर इन सभी को मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनोहर को रियलाइज होता है कि सीरियल में उसके हाथ में दूसरा हथौड़ा था और कत्ल किसी और हथौड़े से हुआ था। इसका मतलब वो अपने परिवार को मारने नहीं बल्कि बचाने गया था। ये जानने के बाद वो इंस्पेक्टर शिव के साथ भागकर अपने घर जाता है जहां वो डॉक्टर शिंदे को अपने परिवार वालों पे हमला करते देखता है। मनोहर डॉक्टर शिंदे पे हथौड़े से वार कर देता है जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। इन आत्माओं को अपना बदला मिल चुका था और अब सब सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में सब कुछ ठीक हो गया है, दूध भी अब नहीं फट रहा है, पूजा रूम में किले लगाकर भगवान के तस्वीरों को भी टांग दिया गया है और ये परिवार एक बार फिर से काफी खुश था। इस परिवार ने अशोक को पागल खाने से छुड़ाकर अपने घर पे ही रख लिया था ताकि वो अपनी बची जिंदगी आराम से बिता सके। बिल्डिंग के लिफ्ट भी अब मनोहर के लिए काम कर रही थी और जब वो लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है तो उसे फोन पे डॉक्टर शिंदे का कॉल आता है जो कि अब इस दुनिया में थे ही नहीं। जब मनोहर कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ डॉक्टर शिंदे बोलते हैं कि आजकल के भूत मोबाइल फोन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उनके ऐसा बोलने के ठीक बाद लिफ्ट 13th फ्लोर से गिर जाती है जिससे मनोहर की मौत हो जाती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 13B मूवी की फुल स्टोरी। मेरी माने तो आज भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको ये बहुत ही रोमांचक लगेगी। इस फिल्म की डायरेक्शन, स्टोरी और एक्टिंग सब एकदम ऑन पॉइंट है। मूवी में कुछ गाने हैं जो कि नहीं होने चाहिए और सपोर्टिंग एक्टर्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन माधवन ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर शिव का किरदार निभाने वाले कलाकारों ने भी कमाल की एक्टिंग करी है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में बनी ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्मों में से एक है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। और हाँ, ये फिल्म समहाउ यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आपने इस फिल्म को देख रखा है और क्या आपको भी ये फिल्म पसंद आई थी? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ ले। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।